थलाई व रजनीकांत अपने आप में कितने बड़े ब्रांड हैं किसी को बताने की शायद जरूरत नहीं। अपने फिल्मी करियर में वो कितनी तरह के किरदार अदा कर चुके हैं इस बात से भी सभी वाकिफ हैं। लेकिन एक तरह के रोल से उन्हें खासा परहेज है, लेकिन क्यों, इसके पीछे की कहानी क्या है तो जरा वो सुन लीजिए। एक्टर्स के थलाई व रजनीकांत का दरबार ट्रेलर बीते दिनों रिलीज हुआ। इस फिल्म में रजनीकांत पुलिस की भूमिका में नजर आ रहे हैं। बैक टू बैक बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स भी पुलिस की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सलमान खान की दबंग 3 इसी वीक रिलीज हो रही है। वहीं चुलबुल पांडे बने सल्लू भी एक दबंग पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। और तो और इसके बाद खिलाड़ी कुमार भी रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी में पुलिस अफसर के किरदार में दिखाई देंगे। ऐसे में इन दो बड़े स्टार्स की कंपैरिजन रजनीकांत से तो हो नहीं थी। और जब रजनीकांत से अक्षय की सूर्यवंशी जैसे किरदार क्या कभी वो फ्यूचर में निभाना चाहेंगे, तो उन्होंने इस सवाल का कुछ ये जवाब दिया। मुझे पुलिस वालों की भूमिका निभाना पसंद नहीं है। पुलिस वाले किरदार में ड्यूटी और गंभीरता होती है, अपराधी के पीछे भागना होता है। मुझे ऐसे किरदार नहीं पसंद, मुझे एंटरटेनर इजी गो टाइम के किरदार पसंद है। खैर, आपको याद दिला दे कि अक्षय की 2020 की मच अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी में अक्षय एक ATS अफसर का किरदार निभाने वाले हैं, जो अपने देश और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए हर हद पार करता हुआ नजर आएगा। साथ ही आपको ये भी याद होगा कि अक्षय और सुपरस्टार रजनीकांत ने रोबोट 2.0 में भी एक साथ काम किया है। वेल, रजनीकांत के इस रिएक्शन पर अक्षय के फैंस का क्या कहना है, जरूर रखिएगा अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में।